नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो दोस्तों, आज एक नई नोटिस जारी हुआ है, यानी कि राशन कार्डधारी जो भी है जिनकी खाद्य, तो दोस्तों खाद्य उपाध्याय द्वारा यानी कि बिहार सरकार के द्वारा एक नई नोटिस जारी हो गया है, जिसमें बताया गया जो भी राशन कार्ड धारक है जिनको राशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो मुफ्त 5 किलो अनाज जो दिया जाता है वो मिल रहा है, तो दोस्तों उसके लिए नई नोटिस जारी हुआ है। क्या नोटिस है, तो नोटिस के बारे में भी बताएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा। इसी नोटिस के बारे में जितना भी पॉइंट है सारे पढ़ के बताएंगे और सारा जानकारी बताएंगे क्या नोटिस है। तो आइए सबसे पहले आप नोटिस पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग बात तो करते ये हैं। इसकी नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस जो जारी है, ये नोटिस के बारे में बताएंगे। जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण सूचना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आंशित राशन कार्डधारी के ध्यान दें, यानी कि जो भी राशन कार्डधारी को उसको ध्यान देना है, जो बिहार सरकार के बारे में बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला नोटिस है, सबसे पहला पैराग्राम पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिवार्य के अंतर्गत अवांछित पात्र लाभित वन नेशन वन कार्ड के तहत जो तरह पोर्टल बियर माध्यम से राज्य के अंदर या किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान की अथवा राज्य से बाहर जन वितरण प्रणाली की दुकान से अपने अनिवार्य के अनुसार सुविधा अनुसार एक बार अथवा एक बार से अधिक खाद्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी राशन आपको मिलता है या अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर कहीं भी आप लेते हैं, तो आप दोबारा भी राशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपको टोटल 20 केजी राशन मिलता है, तो आप मानते हैं कि मैं अभी 10 केजी लूँ, 10 केजी बाद में लूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो खाली आप जब राशन लेते हैं उस टाइम आप रसीद लेना, यानी कि स्लिप लेना, ना बोले जितने राशन आपको दिया जाए उसका स्लिप आपके पास रहना चाहिए, जो नोटिस में बताया जा रहा है। खाद्य लेने के पश्चात अपनी रसीद अनिवार्य रूप से ले अंकित और जाँच अवश्य कर ले। देखिए इसमें भी कहा गया कि अपना रसीद अपना जाँच जरूर करो। भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायरे के वादे प्राप्त आदेश, आप लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड धारकों एंड सभी सदस्यों को ई के वाई सी आधार से डी कराया जाना है। यानी कि जो भी कैंडिडेट है आपको पता है ई के वाई सी के लिए डेट भी जारी होगा, जो कि लास्ट डेट आपको 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर तक आप अगर राशन कार्ड में अपना ई के वाई सी नहीं करवाए तो 1 अक्टूबर से आपके नाम राशन कार्ड से काट दिया, जो कि पिछले कई वीडियो में बनाया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो वीडियो आकर देख लीजिए। जो नोटिस जारी हुआ था उसमें जिस हिसाब से बताया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है, राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर ई पॉस यंत्र नाम निःशुल्क जाकर ई के वाई सी यानी आधार सेटिंग आपको करवा लें। साथ ही आपको यही बताया जाता है कि राज्य में वैसे कार्डधारक है जो अपने आजीविका अन्य कारणों से अपने राज्य से बाहर रहते हैं, तो इन 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, जैसे गुजरात हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गए, कर्नाटक हो गए, उड़ीसा हो गए, पौंडीचेरी हो गई, राजस्थान हो गए, तमिलनाडु हो गए, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, यानी इन 12 राज्यों को छोड़कर आप कहीं भी रहते तो वहीं अपना ई पॉस करवा सकते हैं, यानी कि ई के वाई सी आप वहीं करवा सकते। लेकिन इन 12 राज्यों में रहते हैं तो आपको ई के वाई सी आपको खुद के राज्य में आके करवाना होगा। तो निवास कर रहे हैं तो वे भी उपयुक्त राज्य में ही अपना नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई के वाई सी आधार से भी जरूर करवा लें। ये लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाला चावल, आयरन, फॉर्मिक एसिड और विटामिन B12 के फर्टिलाइटेड थैलीसीमिया ऑप्शीपीड़ित लोगों को पोटासफाइड चावल का सेवन चिकित्सा परीक्षण कराना चाहिए। यानी कि आप इस बीमारी थैलीफेसिया और पोटाफाइडर बीमारी से आप संघर्ष कर रहे हैं इस बीमारी आपको, तो सबसे पहले आप चेकअप अपना करवा लें, इसके बाद ही इसका सेवन करनी चाहिए। सिकेल सेल एमिनिया से ग्रसित लोगों को फर्टिलाइज चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि ये चावल जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो फर्टिलाइज चावल दिया जाता है, इसलिए आप जो अगर ये बीमारी आपके यानी कि एनीमिया से ग्रसित है आप, तो आप ये चावल का सेवन ना करें। नेक्स्ट में, यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता के उपयुक्त निर्माण के लिए मुफ्त खाद्य नहीं दिया जाता है, यानी कि कोई भी दुकानदार जहां राशन वितरण होते वहां आपको मुफ्त अनाज नहीं दिया जाता, तो निकटतम अनुमंडल पदाधिकारी में या विभाग के टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि आपको मुफ्त में राशन नहीं दिया जा रहा है तो आप नज़दीकी अनुमंडल में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करें, नहीं तो ये नंबर जो आपको नीचे दिया गया 1834-56-194 एवं 1967 पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये नोटिस थी, और आपको पहले बता दूं कि एक वीडियो जो हम पहले बनाए थे वो जाकर जरूर देख लिया। अगर आप राशन कार्ड 30 सितंबर तक नहीं करवाते हैं तो 1 अक्टूबर से आपके नाम कर दिया जाएगा, जो कि हम वीडियो पहले बना चुके हैं, जो नीचे से वो लिंक मिलेगी वो जाके जरूर देखिए। जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट देख लिए, तो आपको ये समझ में आ चुका है राशन कार्डधारी जो भी है, अगर अपना अभी तक ई सीडिंग यानी कि आधार
सेटिंग नहीं करवाए, अपना ई पॉस नहीं करवाए तो जाके अपना करवा लीजिएगा। ई केवाईसी नहीं करवाए तो जाके करवा सकते हैं। ये इन 12 राज्यों को छोड़कर आप कहीं भी रहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है जो कि 30 सितंबर तक है। इसके डिटेल्स वीडियो हम बना चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आप कहीं भी किसी वन राशन वन कार्ड जा रहे हैं तो आप अपना राज्य में कहीं भी राशन उठा सकते हैं। देश में किसी भी कोने में रहते हैं तो वहाँ से राशन उठा सकते हैं। आप चाहते हैं एक बार में नहीं, दो दो बार में उठाओ, मतलब आधा इस बार आधा उस बार, वो भी रहती है। ये सारी नोटिस थी जिसके लेके आपको हम सारी जानकारी बता दिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो राशन कार्ड लेके तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट जरूर पाए। बाकी लास्ट जो है 30 सितंबर का, इस तक जाके अपना ई केवाईसी जरूर करें। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।